अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अभी आप भी नहलाओ कान्हा को, कान्हा को नहलाओ बेटा, ऐसे ऐसे। हाँ बस आप लोटा पकड़ो 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 बेटा पकड़ो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण। अच्छा आप लो, आप लो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी आप लो। अच्छा आप लो, लो आप। अच्छा सॉरी बेटा लो, आप नहलाओ कान्हा को, आप नहलाओ कान्हा को। राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी लल्ला नखरा कर रही है, रो रही है। आजकल इतना ज्यादा नखरा करने लगी, इतना रोने लगी है ना, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं कान्हा को स्नान करवा रही थी, मैंने सोचा जो नया ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा के लिए वो पहना दो, बट लल्ला को पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा स्नान करा दो लल्ला, लगी रोने। कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर कभी कभी इतना जिद करने लगती है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बट ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रोते हंसते गाते बड़े हो जाएंगे एक दिन। ये रहे हमारे कान्हा। ये कान्हा की छोटी सी मूर्ति है ना, ये मेरे बाबा लेके आए हुए थे मथुरा से, आई थिंक अभी से 12-15 साल पहले की ये छोटी सी मूर्ति है। तो मैं पूजा करी हूँ जैसे तैसे, अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई, अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहना पाई कान्हा को, क्योंकि लल्ला रो जा रही थी, परेशान कर रही थी। ये एक छोटा सा फोटो लिया है मैंने क्यूट सा कान्हा का। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम लोग? हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम लोग जा रहे हैं द्वार पे, क्योंकि लल्ला को रोना आ रहा है ना। लल्ला आपको रोना आ रहा है? हम द्वार पे जाके खेलेंगे, लल्ला हमारी द्वार पे जाके खेलेंगे। हम दोनों माँ बेटी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बट अभी खाना नहीं खाया क्योंकि लल्ला इतना ज़्यादा रो रही हैं कि कहाँ से खाना खाएंगे। पहले खेल के आते हैं थोड़ी देर, तब खाना खाएंगे, है ना लल्ला? ओ दांत काट ली, दांत काटती हैं खूब। नाना जी के खटिया पे, पर नाना जी के खटिया पे बैठ के खेलते हैं हम, खूब खुश रहते हैं खटिया पे बैठते हैं। तो ये जो छेद दिख रहा है ना इधर उधर, उसमें लल्ला अपना पैर फंसाती हैं, खूब खुशी से नाचती हैं। नाच दो लल्ला, डांस कर दो बेटा। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे कर दो बेटा, राधे राधे। हाँ हाँ, जय कर दो बेटा, जय जय। और ये देखिए डॉगी को कहाँ सो रहा है, दिन रात बाबा के खटिया के पास होता है ये। और एक को देखिए उधर है खेत में, इधर देखिए, इसमें पानी पटा था ना अभी 2-4 दिन पहले, आप लोग देखे होंगे मैंने दिखाया था। ये इसमें घास जम गया, गाय को खिलाने वाला घास है, पास से दिखाती हूँ। देखिए अभी छोटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा। देखिए वहाँ तक है, वहाँ तक दिख रहा है। और इधर इसी में डॉगी सो रहा है, उतना दूर वो मिट्टी को ख़राब कर दिया, मतलब अब ये जो घास है इतना दूर नहीं उगेगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, दिन भर खेत में ऐसे घुस के सब खराब करते रहते हैं। क्या हुआ बेटे को, बेटे को क्या हुआ, क्या हुआ बेटे को? हाँ खेल रहे हैं हम हमारी लल्ला को, चली गई खेत में। इनको खेत में ऐसे ना मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। खड़े हो जाओ बेटा, लल्ला खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ बेटा, जिगर का टुकड़ा खड़ी हो जा बेटा, आओ। या खेल रहे हम तो, पत्ता से खेल रहे हैं, पत्ता से खेल रहे हैं हम तो। आ जाओ बेटा, आ जाओ मम्मा के पास, लल्ला मम्मा के पास आ जाओ बेटा, लल्ला मम्मा के पास आ जाओ। देखिए आएंगी कैसे, ओली मिट्टी में उबड़ खाबड़ में गिर जा रहे हैं हम। आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक चांद की कश्ती में चल डूबे उतरना है, आ जा लल्ला। काट 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 काट, डॉगी है, काट काट, भागो बेटा, भागो बेटा, डॉगी है, भागो बेटा, डॉगी है। ये इनको दवा पिलाई हूँ मैं, तो अपना दवा का डब्बा लेके आई है। क्या हो गया लल्ला को? लल्ला दिखा दो बेटा क्या हो गया आपको, लल्ला आप दिखा दो तो क्या हो गया है आपको, दिखा दो बेटा। देखिए हाँ दिखा दो, चोट कहाँ लगी है बेटा, चोट कहाँ लग गई है बेटा, दिखा दो तो, दिखा दो तो बेटा, चोट कहाँ लगी है आपको, दो फूक दे बेटा, फूक दे, दीजिए तो फूक दे बेटा। देखिए वो वाला, हाँ देखिए बेटा वो वाला फूक दे। देखिए चोट लग गई है लल्ला को, ये देखिए उंगली में चोट लग गई है, इसी का दवा दी हूँ दर्द का, दांत काट ली लड़की। देखिए
तो खुल के खेना। मम्मी बचा ले। दांत काटती, दांत काटती है। दांत दिखा दो अपना, दांत दिखा दो तो। दांत काटने के लिए रो रही है। आम के पेड़ को पानी पटाए हैं साधु बाबा। ये रहा हमारा आम का पेड़, ये पानी पटाया गया है। चलो आम दिखाती हूँ। आ जाओ तो बेटा लल्ला, आम दिखाते हैं सबको। ये देखिए आम, आम है ना। अभी और भी है, उधर दिख नहीं रहा है, इधर भी है। इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखो आम। और ये कटहल का पेड़, कटहल के पेड़ में भी पानी पटाए हैं साधु बाबा। और ये रहा हमारा कटहल, ठीक से दिख नहीं रहा है सनरेज की वजह से। कच्चा 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 कटहल को कटहल कहने नहीं आता है तो लल्ला कच्चा कच्चा कहती है। और सोना तो एकदम साफ साफ बोलती है कटहल। अच्छा मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि रवीना आपका खेत आपके घर के पास ही है क्या? तो हमारा जो खेत है ना, ये पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सबसे नज़दीक वाला खेत है। ये हमारे द्वार के पास ही, मतलब द्वार से सटा हुआ है एकदम। ये अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वो द्वार है, और द्वार से सटा हुआ वो खेत है, और घर हमारा एकदम सामने यहाँ। और भी बहुत सारे खेत हैं हमारे, बहुत सारे खेत हैं, बट दूर दूर पे हैं। कभी चलूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी सारे खेत। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कितना सारा खेत है। बाबा को सब अच्छे से पता है, बाबा को, पापा को, मेरे भाइयों को, क्योंकि हम लोग उतना जाते नहीं है ना, हम बहनें, तो इसीलिए हम लोग को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं बाबा के साथ कभी कभी गई हूँ, छोटी थी तो बचपन में, तो फिर कभी कोशिश करूँगी कि बाबा के साथ जाऊँ और आप लोग को अपना सारा खेत दिखाऊँ। द्वार पर थोड़ी देर खेलने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी घर। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, बट अभी हम लोग पी रहे हैं सिरफल का शरबत। मम्मी बनाई है क्योंकि आज मम्मी का मंगल व्रत है, तो इसीलिए मम्मी सिरफल का शरबत बनाई अपने लिए। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी थोड़ा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ जिसमें मैंने सिरफल का शरबत बनाया था, उसमें मैंने सीताफल बोल दिया था। मैं इतना कन्फ्यूज होती हूँ सिरफल और सीताफल में, क्या बताऊँ। लल्ला को काटो। अच्छा लो लो। आपने भी तो लगाया है, आपने भी तो लगाया है। खाते नहीं, खाते नहीं, खाते नहीं, खाते नहीं, खाते नहीं। देखो, अरे अरे अरे, ना ना रुठो, ना रुठो, ना रुठो। देखो गिर गया ना मामा का बिंदी, मामा का बिंदी गिर गया ना। आओ आओ गोदिया, तो पस क्या है, तो पस क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, हाँ? अरे देखो ना बेटा, बाहर देखो ना, हवा चल रही, देखो हवा चल रही है बेटा। लो ये लो, ये लो, आ आ बाहर बाहर नहीं। ये लो ना खिलाना, लो खेलो, ये लो 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 खेलो बेटा, वो खेलने के लिए है। और ये बाहर तो देखो, देखो ना अंकित मामा, सोना दीदी को देखो, सोना दीदी स्कूल पे गई खेलने, देखो बैट बॉल खेल रही, क्रिकेट खेल रही है सोना दीदी, सोना दीदी क्रिकेट, सोना दीदी क्रिकेट खेल रही, देखो ना सोना दीदी क्रिकेट खेल रही। लला देखी ओले को आपने सोना दीदी, वहां देखो क्रिकेट खेल रही है, खेल रही है ना, हाँ बोला तो सोना दीदी को, आप आओ सोना दीदी, आप ना ही रोते, जाओगी घूमने, घूमने जाओगी, जा 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 घूम के आओ, जा घूम के। बच्चों वाले घर में सोचिएगा कि मैं पढ़ाई कर लूँ शांति से या फिर कोई काम कर लूँ शांति से, तो कुछ नहीं होगा शांति से। दिन भर बच्चे उधम मचाए रहेंगे, बदमाशी करेंगे, जिद मचाएंगे, रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, उसी में अपना टाइम निकालना पड़ता है। उसी में फुर्सत निकाल के बस थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम पर मेरे लिए। भाभी साइड में खड़ी हैं, भाभी से मैं कुछ कुछ बातें भी कर रही थी। सोना को देख रहे हैं आप लोग, सोना भी बदमाशी कर रही है, इधर लल्ला भी बदमाशी कर रही है, चंदन संभाल रहा है, बट मानती नहीं है दोनों। जब भी मैं पढ़ने बैठूंगी ना, कोई कॉपी लेके भागेगा, कोई पेन लेके भागेगा, ऐसे ही चलता है दिन भर। ठीक है, बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग इनका बचपन भी याद ही करेंगे। बच्चे है घर में तो बदमाशी तो करेंगे, इसी में अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ। चलिए द्वार पे, द्वार पे है आपके बाबा,
लल्ला नाना जी द्वार पे बेटा चलो। ये देखिए जुड़वा बहनों को मामा की गोदी जा रही हैं। ये जुड़वा बहने बाबा को ढूंढ रही है, बाबा को जा रही हैं दोनों। बाबा को बुला ले, नाना को यानी मेरे पापा को। आए सोना बाय लल्ला, लल्ला बाय 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 सोना, बाय बाय लल्ला, लल्ला बाय बाय। ना अभी नहीं, आ जाओ चलो घर पे बेटा, घर पे चलो बेटा, आ जाओ चलो घर चलो ना ठीक है जाओ जाओ, चला दो हमको भी दो बेटा। ओ दे रहे हैं मम्मा को, दे रहे हैं हम तो मम्मा को दे रहे हैं। काल बसो ना अंगूर, अंगूर अंगूर आ गई ले चॉकलेट चट कर ले, चॉकलेट के चट कर। शहर के बज रहे हैं डेढ़, एक बज के 33 मिनट हो रहे हैं और आज कितने तारीख है, तारीख है 9 मई है आज। तो आज मौसम इतना अच्छा किया हुआ है ना, सुबह से ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही है रुक रुक के, बहुत अच्छी बारिश नहीं हो रही है बट वो रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है ना, एकदम मौसम ठंडा हो गया है पूरा, ये फर्श छत पर का गीला हो गया है देख रहे हैं। उधर हमारी लल्ला पीछे उनकी नानी कपड़े डालते हुए, मस्त एकदम मौसम। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्लॉग पब्लिश किया है जिस ब्लॉग में मैंने अपने मायके से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है, बाबा के साथ वीडियो बनाई, इतना अच्छा लगा मुझे वो वीडियो, मैं बार बार अपना ही वीडियो खुद देख रही थी और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा के साथ मैं प्रॉपर एक पूरा ब्लॉग बनाई, अपने मायके से रिलेटेड हर सवाल का जवाब दी। होप कि आप लोग देखे होंगे मेरे बाल कैसे हुए। एक्चुअली ना मैं रूम में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, एक्चुअली लल्ला सो रही थी, मैं भी सोची थी थोड़ा देर सो लूँगी क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी नींद आती है मुझे। देखिए लल्ला क्या कर रही है, देखिए फूल तोड़ रही हैं, अपने सो रही थी ये लड़की। और जैसे ही मैं सोऊंगी ना, सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे सोने में मुझे, मतलब मैं गहरी नींद में जाऊंगी, लगेंगी चिल्लाने रोने, नहीं सोने देती हैं वही, मुझे पढ़ाई करनी है। बट थोड़ी देर मैं मौसम इंजॉय करने छत पर आई हूँ क्योंकि इतना ठंडा मौसम किया है, एंजॉय करना तो बनता है। लल्ला क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो बेटा, लल्ला क्या कर रहे हो दिखा दो। लल्ला हमारी नेल कलर लगाई हैं, मम्मा से लगवाई हैं, मैंने लगा, छत गीला हो गया है, लल्ला को बहुत मजा आ रही है खुश हो रही है मौसम इतना अच्छा किया हुआ है, देखिए इतना अच्छा मौसम, धूप बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी इधर कपड़े डाल रही, लल्ला को देखिए डांस कर दो डांस कर दो डांस कर दो, इधर नानी डांस कर रही है और इधर नातिन डांस कर रही है नानी नातिन का डांस चल रहा है हम जाएंगे नानी के पास, डांस कर दो बेटा लल्ला, डांस कर दो बेटा, वाह 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी डांस। ये लड़की इतनी बदमाश है, गेहूं खा रही है, मम्मी स्टोर रूम में गेहूं रखी है, वही गेहूं बम उठा उठा खा रही है, कैसा लगता है बेटा, कैसा लगता है और आजकल चिल्लाना सीख गए हैं, गुर्राना, डांटती हूँ मैं ना इनको तो ये भी मुझे डांटती है। देखो ना उसमें कौन है बेटा, उसमें कौन है, राधे राधे कर दो तो बेटा, राधे राधे, हाँ राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे करते हैं हम तो हाथ जोड़ के राधे राधे करते हैं। नानी कहाँ चली गई बेटा, नानी नीचे चली गई ना, चलो हम लोग भी नीचे, हम लोग भी नीचे चलें, इनका मन नहीं कर रहा छत पर से नीचे जाने का क्योंकि मौसम अच्छा किया ना आज, और इनको घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस पूरे टाइम घूमना है और मामा दूध पीना है ना, पूरे टाइम मामा दूध पीना है। अब आप बड़ी हो गई है, खाना खाना सीखिए, देखो हो गया आज बाबू का 1 मंथ फोटोशूट है, आज हमारा लल्ला 1 महीने का हो गया। अच्छा नहीं 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 दीदी की तरह हम भी फोटो नहीं खिंचवाएंगे, मेरी बेटी भी ऐसे ही फोटो खिंचवाने के टाइम रोने लगती है, ऐसे खेलते रहेगी लेकिन फोटो खींचने के लिए कहूंगी लगेगी चिल्लाने, ऐसे ही बाबू भी रो रहा है। एक फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो बेटा, खिंचवा लो एक फोटो,
ना खिंचवाए रोते खिंच दे। भाभी कह रही है कि रोते खिंच दे।